भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस लाइन को साथ साथ आपको अनुभव करने के लिए आपको आना होगा राजस्थान के अंतर्गत दौसा जिले के अंतर्गत आने वाला बांदीकुई के पास मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महावीर और स्वागत है आप सभी का ट्रैवलिंग मैनेजर में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बांदीकुई के पास स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। आपको यहाँ दर्शन करने के लिए किन किन बातों का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरीके के जो है यहाँ पर पीड़ादायक लोग आते हैं और यहाँ से आराम पाकर वापस जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंदिर में एंटर होते ही आप लोगों को जो है लंबी लाइन से होकर गुजरना होता है और आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि दीवारों पर या फिर जालियों पर जो है आपको लॉक वगैरह या फिर अन्य धागे वगैरह जो है बंधे हुए दिखाई देते हैं। ये जो है उन लोगों की आस्थाओं के प्रतीक है जो अपनी आस्था लेकर इस मंदिर में आते हैं। और उसी के बाद में हम लोग जो चलते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ है जो प्रेतनाथ जी का मंदिर है और नीचे की तरफ आपको जो देखने को मिलेगा भैरवनाथ जी का मंदिर। बीच में बालाजी का मंदिर है, एक साइड में आपको देखने को मिलेगा भैरवनाथ जी का मंदिर और ये जो मंदिर है ये है प्रेतनाथ जी सरकार का मंदिर। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर जो है बालाजी की अदालत चलती है जिसमें कोतवाल का काम भैरवनाथ जी के द्वारा किया जाता है और बुरी आत्माओं को जो है दंड देने का काम जो है वो प्रेतनाथ जी सरकार के द्वारा किया जाता है। जब आप लोग यहाँ प्रेतनाथ जी सरकार के मंदिर की तरफ अंदर एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है चारों तरफ बुरी आत्माओं, ऐसे लोग देखने को आपको मिलेंगे जिनको जो है जिनके मन को जो है बुरी आत्माओं ने अपना घर बनाया हुआ है और यहाँ पर जो है प्रेतराज जी सरकार के द्वारा उन आत्माओं को जो है दंड दिया जाता है और बिना छुए कोई भी व्यक्ति जो है इन लोगों को हाथ नहीं लगाता है, लेकिन स्वयं जो बुरी आत्माएं जिनके अंदर निवास किए हुए व्यक्ति होते हैं वो स्वयं ही जो है दंडित होते हैं। और लोगों की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है, यहाँ हर साल लाखों पीड़ित लोग आते हैं और स्वस्थ होकर एक प्रसन्नता की मुस्कान के साथ अपने घरों की ओर लौटते हैं। आगे चलकर जब हम लोग मंदिर के बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि इस मंदिर से जो प्रसाद वगैरह है वो आप लोग घर लेकर नहीं जा सकते हैं और जब आप लोग मंदिर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। इसलिए यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि जब आप मंदिर से निकलते हैं तो अपने ऊपर से जो प्रसाद को 7 बार घुमाकर उसे पीछे की तरफ डाल दीजिए और आप सीधे मुंह करके जो है मंदिर से बाहर चले जाइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहीं पर जो है जालियों पर वो आपको वापस जो है धागे वगैरह देखने को मिलते हैं जो एक लोगों की आस्था का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में कभी इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद में जो है आपको एक अलग ही अद्भुत एहसास देखने को मिलेगा। और दो घाटियों के बीच स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है।